भिवंडी का स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल, हर बार ही डॉक्टर्स की कमी, मरीजों को रेफर करना तो कहीं एम्बुलेंस में ड्राइवर और डॉक्टरों का ना होना जैसे आरोपों से घिरा रहता है। भिवंडी शहर के कई दिग्गज नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल को साफ सुथरा और सुविधाओं वाला अस्पताल बनाने की कोशिश में जुटे रहते हैं, लेकिन ये सारी कोशिशें नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। गत दिनों पहले स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल में 3 वर्षीय बच्चे के दिल में छेद होने के कारण उसके माता पिता एम्बुलेंस के लिए दर दर भटक रहे थे। साथ ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल में जो एम्बुलेंस भेंट की गई थी उसकी पोल खोली गई। इन सभी बातों को देखते हुए आज भिवंडी शहर MIM विद्यार्थी सेल के अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर द्वारा स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल के मुख्य अधिकारी को ज्ञापन देकर अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की कमी, एम्बुलेंस ड्राइवर और साफ सफाई जैसी समस्याओं पर MIM के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रवक्ता रविश मोमिन की उपस्थिति में इंदिरा गांधी अस्पताल के डॉक्टर धनोरे को ज्ञापन देकर समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई, जहां रविश मोमिन, मोहम्मद शाकिर, सरफराज अंसारी, सलमान अंसारी, अब्दुल रहीम और फराज उपस्थित थे। ऐसे में हमारे चैनल के माध्यम से डॉक्टर ने क्या आश्वासन दिया, देखिए इस खबर में। इंदिरा गांधी अस्पताल में क्या विषय था और क्या मांगे किया? आज हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन स्टूडेंट विंग के सदर मोहम्मद शाकिर साहब ने आज राजेश मोरे साहब को एक मेमोरेंडम दिया, जिसके अंदर IGM हॉस्पिटल के अंदर जो जो कमियाँ थी उस कमियों को दूर करने के लिए हमने मेमोरेंडम के अंदर तमाम बातें हमने मेंशन किया। कि कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ है कि 3 महीने की बच्ची थी, उसके दिल में सुराख था और उसकी माँ एम्बुलेंस के लिए परेशान थी। IGM हॉस्पिटल के अंदर एम्बुलेंस तो थी लेकिन एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं था। चारों ड्राइवर को डॉक्टर ने हमें बताया रात में 1:30-2 बजे कि हमने सस्पेंड कर दिया गया, कि अगर आपको सस्पेंड करना था पहले आपको ड्राइवर को रखना था। वो 3 महीने की बच्ची को लेकर वो माँ अपनी बेबसी का इजहार कर रखी थी। मैं रात में 1:30 बजे यहाँ पर मौजूद था, मैंने उस माँ के आँखों के अंदर मैंने आंसू को देखा कि अगर उस मुद्दे को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दूसरी पार्टियाँ, हमारी पार्टियाँ तो उस विषय पर हमने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, दूसरी पार्टियाँ अगर खामोश बैठी है तो बैठे, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस विषय को लेकर खामोश नहीं बैठने वाली है। अगर उस मुद्दे को लेकर अगर हम अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं किया तो आने वाले शहर की नस्लें हमें माफ़ नहीं करेगी। इस तरह से आपने कहा कि सारे पार्टी के लोगों को इसे विषय को लेना चाहिए, आमदार के बारे में क्या कहना है? जिस तरह से भिवंडी पूरब के विधायक जो हैं काफ़ी IGM को मतलब एक अच्छा नकाशा देने वाले थे, कहीं ना कहीं उस पर भी पानी फिरता हुआ दिखा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इमरजेंसी एक फंडामेंटल राइट है। आपने अगर एम्बुलेंस अगर की सुविधा की, अगर उसके अंदर ड्राइवर नहीं है तो क्या फ़ायदा? हमारी अगर जान जा रही है शहर के लोगों की तो आप क्या कर रखे हो? क्यों आप खामोश बैठे हुए हो? मैं शहर के लोगों से अपील करना चाह रहा हूं कि आप लड़ना सीखिए। देखिए, कलकत्ता के एक हॉस्पिटल के अंदर एक मरीज़ की मौत हो जाती है तो उसके हस्बैंड ने जाकर केस किया, सुप्रीम कोर्ट ने 11 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन देने का उसने ऐलान किया है। तो शहर के लोगों से अपील करता हूं कि आप लड़िए, राइट टू हेल्थ आपका एक फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कोई भी पेशेंट को रिटर्न नहीं किया जा सकता। यहाँ IGM हॉस्पिटल की पोजीशन ये है कि अगर एक सांप काटता है तो आप कलवा रिफ़र करते हो, तो आप क्या कर रहे हो इस शहर के लिए? मैं शहर के लोगों से अपील कर रखा हूँ कि आप लड़ना सीखिए। जब तक आप लड़ोगे नहीं, जब तक अपनी आवाज़ को आप बुलंद नहीं करोगे, जब तक आप जो है आगे आके बोलोगे नहीं, तो शहर के मसाइल और IGM में जो जो तकलीफ़ें को रखी गई वो कैसे हल होगी? जैसा कि हमारे रविश मोमिन साहब ने बताया कि एम्बुलेंस को लेकर हमारी जो मांग है वो बहुत सिंपल है, कि अगर आपको अक्टूबर महीने में 4 एम्बुलेंस ड्राइवर को एक ही दिन एक ही वक्त में निकाल दिया गया, अगर आपको एम्बुलेंस ड्राइवर को निकालना ही था, एक निकालते एक भर्ती करते, दूसरा निकालते दूसरा भर्ती करते, तीसरा निकालते तीसरा भर्ती करते, 4 एम्बुलेंस ड्राइवर को एक ही दिन एक ही वक्त में निकालने से परेशानी किसकी हुई? पेशेंट को हुई, पेशेंट के घर वालों को हुई, पेशेंट के दोस्तों को हुई। यहाँ IGM हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कम, रिफ़र ज़्यादा होता है। कोई एक्सीडेंटल केस आता है तो रिफ़र, कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है रिफ़र, क्यों रिफ़र? हेमोग्लोबिन कम है, हद हो गई,
ये क्या ज़बरदस्ती है, तो रिफर पत्र दिया, क्या मांग की जी? हमने मांग की है कि ख़ास तौर से हमने जो मांग की है इसमें स्टाफ को लेकर, आईसीयू में स्टाफ नहीं है, स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन नहीं होते, 24 आवर्स की जो सुविधाएं हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए वो हॉस्पिटल में नहीं मिलती है। ये माहौल यहाँ क्लिनिक जैसा है, हॉस्पिटल वाला माहौल यहाँ हमको लगता ही नहीं है।